Hello everyone, welcome to discussion of QS capsule for the month of June. अगर आप इस capsule का readable version चाहते हैं तो वो हमने telegram channel पे share कर दिया है. And ये एक capsule आपके हर एक government exam में help करने वाला है, चाहे आप JK bank की तैयारी कर रहे हो या कोई भी banking exam, या चाहे आप account assistant या फिर class 4 की recruitment के लिए पढ़ रहे हो. ये एक कैप्सूल आपके सारे करंट अफेयर्स कवर करेगा. मैंने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें लिए हैं, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और हम जो क्विज करवाएंगे टेलीग्राम पे उनको अटेम्प्ट करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपकी रिवीजन होगी इस कैप्सूल की. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे चैनल पर फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव शुरू हो चुका है. आप जैसे कि जानते हैं कि हमारी फैमिली बढ़ रही है, 35,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. अगर आप भी हमारी तरह सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, टीचिंग को फ्री बनाना चाहते हैं, हर एक को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. आप हमको मेल कर सकते हैं helpdeskonstudy@gmail.com पर. मैंने नीचे ईमेल आईडी लिखी हुई है. आपने इसमें अपना नाम, शहर और कॉन्टैक्ट नंबर हमें देना है, प्लस आपने बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी आप अच्छी नॉलेज रखते हैं. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मेरी लास्ट वीडियो से, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं. क्वेश्चन आपके सामने ये है, द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अनाउंस्ड दैट द 2022 वर्ल्ड कप इज टू बी हेल्ड इन. तो जो फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है. क्वेश्चन नंबर वन, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल इन कोलैबोरेशन विद ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री has released a film about which government scheme? Drinking Water Ministry और National Geographical Channel ने मिलकर एक film release की है एक government scheme के ऊपर. Question कह रहा है वो government scheme कौन सी है. Film का नाम है स्वच्छ भारत मिशन और ये YouTube चैनल पर अवेलेबल है और YouTube चैनल का नाम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. आगे चलते हैं. Question number second, what was the growth in real gross domestic product of India in the year 2019-20? भारत की 2019-20 में क्या जीडीपी थी. इसका आंसर है 4.2 और ये पिछले 11 सालों की सबसे कम जीडीपी है भारत की. क्वेश्चन नंबर थ्री, अश्विनी भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक. तो अश्विनी भाटिया इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के एमडी बने हैं. और इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. प्लस आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि बोर्ड ने एक और अपॉइंटमेंट की है वेंकट राव की एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्लस पीपी सेन गुप्ता को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का. तो आपको ये तीनों अपॉइंटमेंट्स को याद रखना है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए किसको नॉमिनेट किया है. एंड द आंसर इज रोहित शर्मा. रोहित शर्मा आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए बने थे और साथ ही साथ अब उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया है बीसीसीआई ने. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एज पर द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द साउथ वेस्ट मॉनसून अकर ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ द ईयर. तो क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून किस समय होता है और इसका आंसर है जून सितंबर. प्लस आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो सबसे पहले अराइव होता है केरला कोस्ट पर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर एमएसएमई. तो जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा एमएसएमई के लिए, उसका क्या नाम है. और इसका आंसर है चैंपियंस. चैंपियंस की एक फुल फॉर्म भी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिखी है आप लोगों के लिए. चैंपियंस स्टैंड्स फॉर क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है एमएसएमई के लिए, उसका नाम है चैंपियन. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ ड्राइव टू इशू किसान क्रेडिट कार्ड टू विच कैटेगरी ऑफ फार्मर. क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने एक ड्राइव लॉन्च की है जिसके तहत वो किसान क्रेडिट कार्ड देंगे फार्मर्स को, और क्वेश्चन कह रहा है कि किस कैटेगरी ऑफ फार्मर्स को ही मिलेगा. और इसका आंसर है डेयरी फार्मर. तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को केसीसी देगी. क्वेश्चन नंबर एट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम. तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अगला हाई कमिश्नर कौन है यूनाइटेड किंगडम के लिए. इसका आंसर है गायत्री कुमार. गायत्री कुमार 1986 की आईएफएस ऑफिसर है.
और ये इस समय करंटली एम्बेसडर है भारत की तरफ से बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपियन यूनियन के लिए। अब ये नेक्स्ट जो काम संभालने वाले हैं वो है हाई कमिश्नर टू यूनाइटेड किंगडम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9th है, विच कंट्री हैज प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इन कंटेनर्स विद डिस्पेंसर पंप। जो स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है ये है एक डिस्पेंसर पंप। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंट्री में इसके एक्सपोर्ट पे बैन लग गया है, यानी कि बाहर हम इस कंट्री के बाहर ये चीज नहीं बेच सकते। आंसर है इंडिया, और रीजन ये है कि COVID-19 के केस बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने भी हैंड सैनिटाइजर हैं, PPE किट्स हैं, इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगाया जाए और सिर्फ अपने लोगों को सर्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट हिट एल सेल्वाडोर। उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का क्या नाम है जिसने एल सेल्वाडोर को हिट किया है, और इसका आंसर है अमांडा। तो बेसिकली दो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, एक तो एल सेल्वाडोर है और दूसरी है ग्वाटेमाला, जहाँ पे अमांडा स्टॉर्म ने हिट किया है। क्वेश्चन नंबर 11th है, विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन नेम सोदार टू हेल्प पीपल मेंटेनिंग डिस्टेंस। तो सोदार एक ऐप है जो कि किसी टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च की है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाए। इस कंपनी का क्या नाम है, इसका आंसर है गूगल। और ये ऐप काम कैसे करती है, बेसिकली ये ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करती है। जब भी आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलेंगे और सामने देखेंगे तो आपको बाउंड्रीज दिखेगी, जब भी कोई बंदा उस बाउंड्री के अंदर आएगा तो ये सिग्नल करने लगेगा कि सोशल डिस्टेंस नॉर्म जो है उसका ब्रीच है, और आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th है, गूगल फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द बोर्ड चेयरमैन ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल के पुराने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक अब कौन सी कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, और इसका आंसर है ट्विटर। और ये इतिहास में पहली बार है कि ट्विटर के बोर्ड का चेयरमैन एक आउटसाइडर बना है। क्वेश्चन 13, विच ऑर्गेनाइजेशन बैग ₹1094 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री टू मेक 156 इन्फेंट्री कमबैक व्हीकल्स ICVS। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1094 करोड़ का ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि वो 156 इन्फेंट्री कमबैक व्हीकल्स बनाए। तो इसका आंसर है ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन राइटर वॉन द रीजनल अवार्ड फ्रॉम एशिया ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया में से किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए अवार्ड मिला है, एंड द आंसर इज कृतिका पांडे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द एनवायरनमेंट डे 2020, और इसका आंसर है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो आपको याद रखना है एनवायरनमेंट डे पहले तो June 5th को बनाया जाता है UN द्वारा, और दूसरा इसकी थीम है इस साल की सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंपनी हैज लॉन्च अ UNDP नेशनल कैंपेन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स मोर्टैलिटी ऑन हाईवेज। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने कैंपेन लॉन्च की है ऑन द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स मोर्टैलिटी ऑन हाईवेज। तो इसका आंसर है इंडिया, और ये हुआ कब था, ये 5 June को हुआ था, जिस दिन हमारा एनवायरमेंट डे है, ये किया गया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द न्यू ऑर्डर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल द न्यू स्कीम्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड विल रिमेन सस्पेंडेड टिल विच डेट। तो इस समय जितनी भी नई स्कीम्स आई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया गया है COVID-19 की वजह से, और पूछा गया कब तक ये सस्पेंडेड रहेगी, इसका आंसर है March 31, 2021। अच्छा, तो अब दो स्कीम्स हैं जिसको एक्सक्लूड किया गया है, सबसे पहली है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और दूसरी है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। इस साइट पे मैंने लिखा हुआ है आपकी रेफरेंस के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th है, व्हेन वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पास्ड इन इंडिया। कब भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को पास किया गया था, इसका आंसर है 2016। और क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है बिकॉज गवर्नमेंट ने इस समय इसमें अमेंडमेंट की है ताकि हमारी कंपनीज पे COVID-19 के दौरान ज्यादा प्रेशर ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 19th है, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इनमें से कौन सा भारतीय सीनियर एडवाइजर बना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक के, आंसर है राजीव तोपनो। राजीव तोपनो 1966 बैच के IAS ऑफिसर है, और इस समय वो प्राइवेट सेक्रेटरी है टू प्राइम मिनिस्टर, और ये सीनियर एडवाइजर लगे हैं किसके, टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक।
क्वेश्चन नंबर 20th, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरनर गवर्नर ऑफ झारखंड मणिपुर एंड मिजोरम हु रिसेंटली पास्ड अवे। इनमें से कौन है जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं झारखंड मणिपुर और मिजोरम के जिनकी अभी भी डेथ हुई है? इसका आंसर है वेद मारवाहा। बेसिकली ये IPS ऑफिसर हैं और ये कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के। इन्होंने 1984 के दंगों के वक्त काफ़ी योगदान भी दिया था और प्लस ये एडवाइज़र भी रह चुके हैं J&K गवर्नमेंट के 3 सालों के पीरियड के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर द मॉडिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स व्हाट इज द मिनिमम लोकल कंटेंट ऑफ द कंपनीज टू विच मैक्सिमम प्रेफरेंस वुड बी गिवन। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी एक गुड्स है जो कंपनी बना रही है तो उसमें मिनिमम लोकल कंटेंट कितना होना चाहिए ताकि हम उसको प्रेफरेंस दें। इसका आंसर है 50%। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक गुड्स बना रहा हूँ जिसमें मैं 40% लोकल मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सिमिलरली आप एक सेम गुड बना रहे हो वो, लेकिन आप उसमें 50% का इस्तेमाल कर रहे हो या 50 से ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आपकी गुड्स को प्रेफरेंस देगी, मेरे गुड को प्रेफरेंस नहीं देगी। वो देखेगी कि लोकल मटेरियल किस में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज़ द विनर ऑफ द $150,000 एबी रैपिड चैलेंज चेस टाइटल। तो इनमें से कौन $150,000 एबी रैपिड चैलेंज जीता है जो कि चेस का टाइटल है एक? इसका आंसर है डैनियल डुबोव, और ये फॉर्मर रैपिड चैंपियन है और रशिया से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इंडियन कंपनी हैज साइंड अ जॉइंट डिक्लेरेशन विद UN ग्लोबल कंपैक्ट ऑन अलाइनिंग COVID-19 रिकवरी एफर्ट्स विद क्लाइमेट साइंस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने डिक्लेरेशन की है UN ग्लोबल कंपैक्ट के साथ COVID-19 रिकवरी एफर्ट्स के लिए? इसका आंसर है टेक महिंद्रा, और साथ ही साथ टेक महिंद्रा ने एक कमिटमेंट की है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे टिल 2040, प्लस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को 50% तक पहुंचाएंगे 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स नेम मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसको करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द बजट ऑफ द माइक्रो इरिगेशन फंड दैट हैज बीन क्रिएटेड विद नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नबार्ड। कितना बजट रखा गया है माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए बाय नबार्ड? इसका आंसर है 5,000 करोड़। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री हैज रिसेंटली ग्रांटेड प्रोफेशनल स्टेटस टू वुमेन फुटबॉल? इसका आंसर है स्पेन। तो स्पेन के अंदर अभी अभी एक प्रोफेशनल स्टेटस दिया गया है वुमेन फुटबॉल को, ताकि उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कंपेटिटिवनेस इंक्रीज हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टेट इज सेट टू कंस्ट्रक्ट 1,000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स इन इट्स वाटर डेफिशिएंट एरियाज? इनमें से कौन सी स्टेट 1,000 वाटर रिचार्ज बोर्ड्स बनाने वाली है अपने वाटर डेफिशिएंट एरियाज के अंदर? इसका आंसर है हरियाणा, और ये जो स्कीम है उसका पूरा कॉस्ट को डिवाइड किया गया है, 90% हरियाणा गवर्नमेंट देगी और 10% ही सिर्फ फार्मर इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC टू प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल स्किलिंग टूल्स टू इट्स ट्रेनिंग पार्टनर्स? तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंपनी ने टाई अप किया है NSDC के साथ? तो आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप में से बहुत लोगों ने IBPS के एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे कि TCS एन डिजिटल ही आपके सारे एग्जाम्स लेता है IBPS के। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री रिलीज द एनुअल इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट? एंड द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच इंडियन स्टेट अप्रूव द सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर नेम सिल्वर लाइन? इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट ने अप्रूव किया है एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसका नाम उन्होंने सिल्वर लाइन रखा है? आंसर है केरला, और ये कवर करेगा 529.45 किलोमीटर सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद विच फैसिलिटी टू एनेबल इट्स पेंशनर सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज EPFO, उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि उसके जो पेंशनर्स हैं वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर पाएं?
और आंसर है CSC, दैट इज कॉमन सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 32, विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव ऑफ ₹2000 पर माइग्रेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्वारंटाइन पीरियड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी एक ₹2000 का इंसेंटिव दे रही है माइग्रेंट्स को जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं क्वारंटीन पीरियड को। इसका आंसर है ओडिशा, और अभी तक 110,080 लोगों को ये इंसेंटिव दे भी दिया गया है, और इसके लिए CM ने एक अलग बजट बनाया है जिसके लिए उन्होंने 19.03 करोड़ रुपीज अलॉट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जून के महीने में जून 17th को आता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फूड फीड फाइबर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 34th भी डे के ऊपर है, वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020। इसमें भी आपको पहले दिन याद रखना है, जून 16 को बनता है इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली रेमिटेंस, इसकी थीम है इस साल की रेमिटेंस आर अ लाइफलाइन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $750 million टू इंडिया टू टैकल COVID-19। तो COVID-19 के लिए कौन सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत को $750 million का लोन दिया है, और इसका आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ये जो पूरा लोन है इसे को फाइनेंस किया जाएगा बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 36, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। प्रेसिडेंट कौन बना है UN की जनरल असेंबली का 75th वाली। इसका आंसर है वॉल्कन बॉस्किर, और ये एक टर्किश डिप्लोमैट है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मोबाइल COVID-19 टेस्टिंग लैब लॉन्च बाय हेल्थ मिनिस्टर टू प्रमोट द टेस्टिंग एक्सेस इन द रूरल एरियाज। पहली मोबाइल COVID-19 टेस्टिंग लैब जो है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च की है, उसका क्या नाम रखा गया है। इसका आंसर है आई लैब। इसकी फुल फॉर्म भी साइट पे मैंने दी है, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। फुल फॉर्म है द इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोज लैब, दैट इज आई लैब। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू कंडक्ट अ स्पेशल सेशन टाइटल भारत अ कल्चरल ट्रेजर टू मार्क इंटरनेशनल योगा डे। इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो एक सेशन कंडक्ट करा रही है जिसका नाम है भारत अ कल्चरल ट्रेजर इंटरनेशनल योगा डे के लिए, और इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 39, एज पर BP स्टैटिस्टिकल रिव्यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन 2019। 2019 में भारत का क्या पोजीशन है एनर्जी कंजम्पशन में। आंसर है 3, नंबर 1 पे चाइना है और दूसरे पे US है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन इज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेटेड बाय UN। तो UN सेलिब्रेट करता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जून 18 को। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंट्री इज नेम्ड द प्रेसिडेंट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। कौन सी कंट्री प्रेसिडेंट बनी है UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अगस्त महीने के लिए 2021 में, और इसका आंसर है इंडिया। आपको मैं बता देता हूँ कि इंडिया, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको एंड किनिया इस समय नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए हैं UNSC के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज स्विफ्ट J1818.0-1607 दैट वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। इसका आंसर है न्यूट्रॉन स्टार। तो स्विफ्ट J1818.01607 एक न्यूट्रॉन स्टार है, और इसकी एज है 240 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 43, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA हैज अप्रूव एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ $121.27 million फॉर द शू ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। इसका आंसर है म्यांमार, और इसको देखेगी हमारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन रेलवे हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टॉलिंग वीडियो सर्वेलेंस एट ओवर 6,000 स्टेशंस। इसका आंसर है रेलटेल, और स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो 6049 रेलवे स्टेशन पे CCTV इंस्टॉल करेंगे। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द थीम ऑफ द डे ऑफ द सी फेयरर सेलिब्रेटेड बाय इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो ये दिन मनाया कब जाता है, मनाया जाता है 25 जून को, और इसकी थीम है सी फेयरर आर की वर्कर्स। सी फेयरर आर की वर्कर्स।
क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस एंटी टॉरपेडो डेकॉय सिस्टम दैट हैज बीन इंड्यूस्ड बाय द इंडियन नेवी? इसका आंसर है मार्कीज। तो मार्कीज एक एंटी टॉरपेडो डेकॉय सिस्टम है जो इंडियन नेवी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर वोटर्स टू ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलेट इन लोकसभा एंड असेंबली पोल्स आफ्टर द रिविजन? तो रिविजन के बाद मिनिमम एज लिमिट क्या रह जाएगी वोटर्स के लिए जो पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करेंगे? आंसर है 65 और इस समय ये लिमिट थी 80। क्वेश्चन नंबर 48, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड एट वन क्लिक टू एड एमएसएमई एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज? तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिस इनिशिएटिव का नाम है एट वन क्लिक? ये क्या करेगा, ये एमएसएमई और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा। तो स्टेट का नाम है गुजरात और बजट है कितना, 1369 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड? आंसर है FATF और रिपोर्ट का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और ये रिपोर्ट दिखाती है कि एक साल में 23 बिलियन रेवेन्यू $23 का रेवेन्यू जनरेट होता है मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से। क्वेश्चन नंबर 50th, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ प्लान कॉल्ड महापरवाना टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज? इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट है जिन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है महापरवाना? ये क्या करेगा, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रीज में। आंसर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र स्टेट ने कहा है कि जो भी कंपनीज 50 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रही है उनको स्टेट क्लियरेंस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस वीडियो से इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।